नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका अपना राजेंद्र। दोस्तों, कई दिनों से मन में एक बेचैनी है, मन ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से अभी दिल्ली के दंगे निपटे हैं, उनसे कुछ राहत मिली तो एक अब कोरोना वायरस का एक खौफ हमारे दिलों में बस रहा है, पूरी दुनिया में बस रहा है। लेकिन दो दिन के जो हालात टीवी पे न्यूज़ सुने हैं और देखे हैं, उनसे पता चलता है कि कोरोना ने दिल्ली में और भारत में दस्तक दे दी है। दोस्तों, जो लोग बाहर से आए हैं, इटली से आए हैं, जो सज्जन, उनमें कोरोना वायरस पाया गया है, उन्होंने एक 5-स्टार होटल में पार्टी दी। जो लोग उनसे संबंधित थे वो वहाँ गए। नेचुरल बात है, वो उनके संपर्क में आए हैं तो वो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। जिस एयरलाइन से वो आए हैं उसका क्रू मेंबर, वो भी चपेट में आ सकते हैं। जहाँ उनका बच्चा है, पढ़ता है, वो दो स्कूल उन्होंने बंद कर दिए हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के लक्षण सबको पता है, रोज हम टीवी में देख रहे हैं कि जुकाम होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो इसके लिए कारगर हो, लेकिन हम कुछ घरेलू उपाय हैं जो कर सकते हैं, घरेलू तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा बच्चों को और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेता है, कि दोनों की इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर होती है। हम अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, और सबसे पहले मैं दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, और सभी को इस बारे में पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए कि जो छुट्टियां हमारी गर्मियों में होती हैं वो छुट्टियां इस सीज़न में किया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस हीट गर्मी में मर जाएगा या मर जाता है, तो क्यों ना वो छुट्टियाँ अब कर दी जाएँ। बच्चे सार्वजनिक बसों से जाते हैं, कुछ प्राइवेट बसों से जाते हैं, वहाँ किस बच्चे के संपर्क में आ रहे हैं, उस बच्चे के परिवार वाले कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये कोई नहीं जानता। तो अच्छा ये है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ करा दी जाएं। हमारे अब होली का त्यौहार आ रहा है, होली पर सब लोग दूसरे को गुलाल लगाएंगे। कुछ गुलाल पहले से चाइना से इम्पोर्ट करके रखा हुआ है हम लोगों ने, काफ़ी व्यापारियों ने रखा हुआ है। गुलाल का कम से कम उपयोग करें। होली पर जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जाने से बचें, एक दूसरे के गले ना मिलें, दूर से, जो हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, नमस्कार करके अपने अभिवादन को स्वीकार करें, अभिवादन करें। आज जो भी होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, सभी ने अपनी अपनी दवाएं बताई हैं। सरकार से निवेदन है कि बुखार में होने वाली जो दवाइयां हैं, जो बुखार में दी जाती हैं, जो जुकाम में दी जाती है, कुछ व्यापारी मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मौके का दुरुपयोग करना चाहते हैं, वो दवाइयों को स्टोर करेंगे और मौके पर उसको ज़्यादा दामों पर बेचेंगे। तो सरकार से निवेदन है कि जैसे सरकार में अखबारों में हमने पढ़ा है कि दवाइयों का एक्सपोर्ट उन्होंने तुरंत बंद कर दिया है, अच्छी बात है, उन पर नकेल कसना ज़रूरी है। अब रही प्रिकॉशंस की बात, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मैं स्टीमिंग करता हूँ, मैं गर्म भाप लेता हूँ, स्टीम लेता हूँ। उससे क्या है कि मेरे चेहरे पे जितने भी जर्म्स हैं जो कहीं से आए होंगे वो जल जाते हैं, गर्म स्टीमिंग से वो जलते हैं। सबसे पहले चेहरे को ही वो वायरस पकड़ता है। दिन में कई बार आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बार बार हाथ धोइए। खासकर हमारे फोटोग्राफर भाई जो कि रोज फंक्शनों पर जाते हैं, रोज एक पूरे पंडाल के अंदर हजारों लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं, उनके बीच में रहते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। बैंकों में नौकरी करने वाले मेरे भाई, जो सरकारी कंपनियों के जो पब्लिक डीलिंग में बैठे हैं वो मेरे भाई, वो सब लोग ज़्यादा सतर्क रहें, ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में सामने वाला व्यक्ति कहाँ से आया है, क्या उसको इन्फेक्शन है, क्या नहीं है, ये सब हमें नहीं पता। बच्चे स्कूल जाना बंद करें, बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पे जाना बंद करें,
क्योंकि दिल्ली के और हमारे देश के जो पार्क हैं, जो गार्डन हैं, उनकी हालात कहीं छुपी नहीं है। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मुझे पता है कि हमारी दिल्ली नगर निगम कितना अच्छा काम करती है। पार्कों में कूड़े के ढेर हैं। मैं रोहनी क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे घर के आसपास सारे नेता रहते हैं, लेकिन पार्कों की बदहाली देख करके रोना आता है। मॉर्निंग वॉक में जाते हैं हम लोग, भिखारी बेंचों पर सोए होते हैं। एक अच्छा आदमी तो अपना इलाज करा लेगा, पता चल गया कोरोना है क्या है, टेस्ट कराएगा। एक भिखारी बेंच पर सो के गया, उसे क्या पता उस बेचारे को, गरीब आदमी को, कि कोरोना क्या है। हुआ बीमार, हुआ मर गया, उसी पार्क में मर गया, उठा के फेंक दिया। उसी बेंच पे हम जाके बैठते हैं, उसी बेंच पे हमारे बच्चे जाके बैठते हैं। तो मेरा नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है दिल्ली सरकार से, भाजपा शासित एमसीडी से, कि उसके नेता जाग जाएं, सफाई व्यवस्था पे ध्यान दें, वरना कोरोना वायरस नेता का मुंह देख के नहीं आएगा, वो सबको लपेटेगा। आज चाइना जैसा संपन्न देश, जो घुड़कियां देके लोगों को डराता है, धमकाता है, जिसका पूरे विश्व में वर्चस्व है, आज उसका प्रधानमंत्री, उसका राष्ट्रपति अंडरग्राउंड है। वो अपने 20,000 लोगों को मारने की सोच रहा है। कोरिया, वो कहता है जिस नागरिक को कोरोना हो उसको मार दो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इस वायरस का, कोरोना वायरस का प्रकोप थोड़ा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हर खाने को पका के खाते हैं, यह हमारा प्लस पॉइंट है। हर खाने को, चाहे वो सब्जियां हैं, सब्जियों को बनाने से पहले गर्म पानी में, उबले हुए गर्म पानी में उन्हें धोएं, साफ करें। जो हम सब्जियां खा रहे हैं उस पर रंग लगे होते हैं, गर्म पानी में उन्हें साफ करके खाएं। हम लोगों का एक प्लस पॉइंट मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग उबाल के खाना खाते हैं, बना हुआ पका हुआ खाना खाते हैं, वो हमारे भारत वंश की, हमारी संस्कृति के लिए अच्छा है। आज चाइना के अंदर कोरोना वायरस फैलने का मुख्य कारण ये है कि वो जो सांप बिच्छू जो भी वो जानवर जो भी खाते हैं उन्हें कच्चा खाते हैं, उबला हुआ कम उबाल के खाते हैं। नॉनवेज खाने से बचें, खाना पूरा पका के खाएं, बासी खाना ना खाएं, फ्रोजन फूड को अवॉइड करें, रखा हुआ खाना ना खाएं, रात का बचा हुआ दूध ना पिएं। कुछ ऐसे सावधानियां हैं जिनको हम अपनाएं तो हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। कोरोना वायरस जानलेवा है, इससे बचना है सतर्क हो जाएं, इससे बचना है तो अपने खाने को, अपने व्यवहार को, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाएं, अपने खाने का ख्याल रखें, सफाई का ध्यान रखें, बार बार समय समय पर अल्कोहल सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साबुन से अच्छी तरह रगड़ रगड़ के हाथ धोएं। अगर आप बाहर जाते हैं तो उन कपड़ों का दोबारा इस्तेमाल ना करें। अगर आप सार्वजनिक परिवहन से जाते हैं, आकर के नहाएं, उन कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल ना करें, आते ही तुरंत उनको धोने के लिए डाल दें। इसी के साथ आपका महत्वपूर्ण समय लेने के लिए मैं माफी चाहता हूं, धन्यवाद। दोस्तों, दो पल के हंसी ठट्ठों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।